ओके, तो आपने कहा है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल को पहचानने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन का लिमिट देख लेंगे। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से इन्फिनिटी दिया गया है और यहाँ पर कोई भी फंक्शन दिया गया है, बताओ ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि प्रॉपर इंटीग्रल है, मतलब ये विषम समाकल है कि उचित समाकल है, बताइए, देख के बताइए केवल। यस, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, विषम समाकल है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक अगर इन्फिनिटी रहता है तो यह इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि नहीं, बताइए, ये बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो अगर हम ऐसा लिखें, ऐसा लिखें, ऐसा लिखें, है ना, अगर हमारे इंटीग्रेशन के लिमिट में इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव दिखाई दे, मतलब वह इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ इंटीग्रेशन 1 to infinity एफ ऑफ एक्स डीएक्स, या मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन 1 to infinity एफ ऑफ एक्स डीएक्स, है ना, यहाँ पर एक की जगह 1 2 3 4 जो चाहे मैं ले सकता हूँ, या मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ बी का वैल्यू है 1 2 3 4, जो भी चाहे ले सकता हूँ। तो इस प्रकार के जो इंटीग्रेशन हैं, ये सारे के सारे इंटीग्रेशन क्या कहलाएंगे, बताओ कौन सा इंटीग्रेशन कहलाएंगे, ये कहलाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। हिंदी में लिखोगे यह प्रथम प्रकार का विषम समाकल है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड आप केवल क्वेश्चन को देखकर ही पहचान जाओगे, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वैल्यू जो भी रहेगा चलेगा, एफ ऑफ एक्स से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इंटीग्रेशन की लिमिट से। अगर इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट या अपर लिमिट दोनों में से कोई भी एक इन्फिनिटी होता है, या दोनों इन्फिनिटी होता है ना, नीचे माइनस इन्फिनिटी आ गया ऊपर 0 आ गया, या नीचे भी इन्फिनिटी आ गया, ऐसा भी हो सकता है, हमारा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स डी, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही है, या इंटीग्रेशन आ गया इन्फिनिटी टू ए एफ ऑफ एक्स डी, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इसमें से कोई भी लोअर लिमिट हो या अपर लिमिट, कोई भी एक लिमिट जो है वह इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए, तब ये कहलाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। सब बच्चों को समझ में आ गया, बोलो क्या आप सभी को समझ में आ चुका है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, मतलब प्रथम प्रकार का विषम समाकल। हेलो, यस, तो आप लोग कह रहे हो कि हमें प्रथम प्रकार का विषम समाकल समझ में आ चुका है, हम क्वेश्चन को देखकर ये बता सकते हैं कि यह प्रथम प्रकार का विषम समाकल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड आप कैसे पहचानोगे, बताइए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ये तो फर्स्ट काइंड हुआ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की पहचान आप कैसे करोगे। यस, ये देखिए, अब यहां पर ए और बी दोनों फाइनाइट वैल्यू है, ए भी फाइनाइट है, बी भी फाइनाइट है, यहां भी इन्फिनिटी नहीं है, यहां भी इन्फिनिटी नहीं है, नहीं माइनस इन्फिनिटी है ना, जैसे एग्जाम्पल में 1/1 से 2 और लिख दिया 1/(x-1, x-2) ऐसे लिख दिया, है ना, एफ ऑफ एक्स के लिए है और लिमिट यहाँ 1 से 2 है। तो मैंने तो आपको कहा था जब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करते हैं तो दोनों में से एक इन्फिनिटी होना चाहिए, या तो यहाँ इन्फिनिटी आए या तो यहाँ इन्फिनिटी आए, या माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए, यहाँ यहाँ कोई भी एक जगह माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो इंटीग्रेशन 1 से 2 है या ए से बी है। तो इस केस में आपको एफ ऑफ ए निकालना होगा और एफ ऑफ बी निकालना होगा, मतलब इस एस की वैल्यू ए पुट करोगे और इस एस की वैल्यू बी पुट करोगे। अगर इनमें से किसी एक का वैल्यू इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, किसी भी एक का वैल्यू, एफ ऑफ ए का वैल्यू आ जाए या एफ ऑफ बी का वैल्यू आ जाए या दोनों का वैल्यू आ जाए, ठीक है, इसका वैल्यू इन्फिनिटिव भी हो सकता है या माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, वैसे इसका वैल्यू भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, कोई भी एफ ऑफ ए भी अगर इन्फिनिटी आ जाए या एफ ऑफ बी भी इन्फिनिटी है, कोई भी एक आएगा तो भी चलेगा, अगर ऐसा हो जाए तो इसे हम बोलेंगे इम प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, ये बताओ
ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पर एफ हाफ एस की वैल्यू है 1/(x-1, x-2)। बताओ एफ हाफ 1 क्या है, इसका लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। तो इस एग्जांपल में बताइए एफ हाफ 1 क्या आएगा, एस के प्लस 1 पुट करके देखो, यहाँ पर एस के प्लस 1 पुट करके देखोगे तो इन्फिनिटी आएगा, पुट करके देख लीजिए। वैसे ही एफ हाफ 2 क्या आएगा बताओ, एस के प्लस 2 पुट करके देखो, इसका अपर लिमिट 2 है तो बताओ एस के प्लस 2 पुट करके तो भी इन्फिनिटी आएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें ये लोअर लिमिट पहले रख के देखना, फिर अपर लिमिट रख के देखना। अगर लोअर लिमिट में उसका वैल्यू फाइनाइट आता है तो अपर लिमिट रख के देखना, अगर लोअर और अपर दोनों में उसका वैल्यू फाइनाइट आता है मतलब परिमित राशि आता है तभी ये उचित समाकल कहलाएगा, मतलब ये प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। अगर इनमें से अगर लोअर लिमिट पर इन्फिनिटी आ जाए या अपर लिमिट पर इन्फिनिटी आ जाए फंक्शन की वैल्यू, या दोनों पर इन्फिनिटी आ जाए तो ये कहलाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, यदि ये कंडीशन आता है, ये है ना। अगर ये कंडीशन आ जाए तो आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स, या आप बोलोगे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड मतलब द्वितीय प्रकार का विषम समाकल है। तो द्वितीय प्रकार का विषम समाकल बताने के लिए आपको आपको ये जो इंटीग्रेशन है ना, इस इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं देखना है, आपको इस फंक्शन में एस वैल्यू ए रख के देखना है और इस फंक्शन में एस वैल्यू बी रख के देखना है। फंक्शन का जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसमें एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट और एस वैल्यू अपर लिमिट रख के देखना है। अगर वह इन्फिनिटी आता है या माइनस इन्फिनिटी आता है तो ये इंटीग्रल जो है वह इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहलाए। समझ में आ गया, देखो ये एग्जांपल से समझ में आया। हाँ स्क्रीन ब्लर आ रहा है क्या, देखो आप रीस्टार्ट कर लीजिए, है ना, रीस्टार्ट कर लीजिए। तो हम ये बता रहे थे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहलाएगा। ओके, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड तभी कहलाता है जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तब। अब सब बच्चों को इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को, चलिए अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों को जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है उसके कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। बताइए कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, याद है आपको, है ना। मेरा क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, फॉलोइंग इंटीग्रल्स हिंदी में लिखोगे निम्नलिखित समाकलों के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, निम्नलिखित समाकलों के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। पहला क्वेश्चन हम करते हैं इंटीग्रेशन 0 to ∞ 1/(1+x²dx)। चलिए देखते हैं इसका सलूशन। हमें ये चेक करना है कि ये जो इंटीग्रेशन है वह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, मतलब ये अभिसारी है या अपसारी है। तो बताइए गिवन इंटीग्रल क्या है हमारा, बताओ गिवन इंटीग्रल क्या है जी, 0 to ∞ 1/(1+x²dx) यही गिवन इंटीग्रल। देखो दिया गया समाकल यही है क्या, हेलो दिया गया समाकल यही है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिटेशन x→∞ 0 to x 1/(1+x²), याद रखना जब भी लिमिट में 0 से इन्फिनिटी दिया रहेगा या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिया रहेगा आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं करोगे, इस फॉर्म में लिखोगे पहले लिमिटेशन x→∞ और 0 to x 1+x²dx, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
चलिए इसका इंटीग्रेशन आएगा टेन इनवर्स एक्स और लिमिट होगा जीरो टू एक्स, है ना। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टेन इनवर्स एक्स और लिमिट आएगा जीरो टू एक्स। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स जीरो, अपर लिमिट एक्स है लोअर लिमिट जीरो है। बताओ टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू क्या होता है, बताइए टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस जीरो आ जाएगा लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स के लिए इन्फिनिटी पुट कर देते हैं आ जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी। बताओ टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, बोलो टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू पाई बाई टू होता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आई का वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। तो आप बोल सकते हो दस गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, दस गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। हिंदी में लिखोगे अतः दिया गया समाकल अभिसारी है, अतः दिया गया समाकल अभिसारी है, गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। और दूसरा क्वेश्चंस करते हैं, दूसरा क्वेश्चंस और करते हैं। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, हमें इंटीग्रेशन दिया गया है जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन वन प्लस एस का होल स्क्वायर। हमें चेक करना है कि यह जो इंटीग्रेशन है वह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसको आप लिखोगे लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स और वन अपॉन वन प्लस एस का होल स्क्वायर डी एक्स। आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करोगे, पहले लिखोगे लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी और लिमिट लगाओगे जीरो टू एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, ठीक है, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन नहीं करते। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, लिमिट होगा जीरो टू एक्स। बताइए पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाएंगे माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस जीरो। तो पहले अपर लिमिट एस के प्लेस पे एक्स रख दिया, फिर एस के प्लेस पे जीरो हमने पुट कर दिया, ओके। ये आ जाएगा लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी और माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन। अब एस के लिए इन्फिनिटी रखना है आपको, एस के प्लस पे क्या रखोगे इन्फिनिटी, तो हो जाएगा आपका जीरो प्लस वन, एस को इन्फिनिटी करेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। देखो जब हम एस को इन्फिनिटी रखेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, बोलो क्या बोलते हो, है ना। तो बताओ आई की वैल्यू क्या है, बोलो आई का वैल्यू क्या है जी, आई का वैल्यू वन आ गया। बताइए आई का वैल्यू वन आ रहा है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, बताइए। यस आई का वैल्यू वन आ रहा है तो आप लिखोगे हेंस द गिवन इंटीग्रल इज, हेंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, अतः दिया गया समाकल अभिसारी है, ठीक है। क्या लिखोगे, अतः दिया गया समाकल अभिसारी है, हेंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। और क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमें पास है इंटीग्रल का वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें ये बताना है ये जो इंटीग्रेशन है यह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस एक्स टू एक्स एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लिमिट दिया है माइनस इंफिनिटी इन्फिनिटी, तो आप लिखोगे माइनस एक्स टू एक्स। समझ में आया आप लोगों को, देखो
चलिए अब यहाँ पर 2 का इंटू और 2 का डिवाइड करते हैं, 1 बाई टू माइनस एक्स टू एक्स, टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है और 2 का डिवाइड किया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेशन ऊपर है, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेशन अगर ऊपर है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया जा सकता है। मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन का एक फार्मूला याद दिलाता हूँ। जैसे आपको अगर ऊपर एफ डेस एक्स दिया गया है और नीचे एफ हाफ एक्स है ना, ऊपर में एफ डेस एक्स है नीचे एफ हाफ एक्स है, मतलब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है लॉग एफ हाफ एक्स। लेकिन याद रखना नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेशन ऊपर होना चाहिए, ये फार्मूला काम करेगा। या एक तरीका और है, आप नीचे वाले को टी मान लीजिए, इस डिनोमिनेटर को टी मान लीजिए, तो जब इसको टी एक्ज्यूम करोगे तो ऊपर डी टी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी एक्ज्यूम करोगे तो टू एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी टी अपान टी, और डी टी अपान टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होगा। डी टी अपान टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, लॉग टी आ जाएगा, फिर टी का वैल्यू रख दोगे, है ना। तो वैसे भी आप कर सकते हो, या मैंने जो आपको बताया ये डायरेक्ट फार्मूला ये आप यूज कर सकते हो। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस फार्मूला को देखो, इस फार्मूला को देखो और बताइए क्या इंटीग्रेशन होगा इसका। यहाँ पर एफ हाफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एफ हाफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। हाँ बताइए क्या होगा फार्मूला, लॉग, हाँ बोलो सही है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आई इक्वल टू आएगा लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2, और इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लिमिट होगा माइनस एक्स टू एक्स। देखो क्या लगता है, समझ में आ गया इंटीग्रेशन आप लोगों को, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, देखिए है ना। तो इसमें लिमिट आएगा, अपर लिमिट एक्स आएगा, लोअर लिमिट माइनस एक्स आएगा। इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, 1/2 लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, लॉग माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पहले हमने एस के प्लेस पे एक्स पुट किया, फिर एस के प्लेस पे माइनस एक्स पुट कर दिया, आ जाएगा हाफ लिमिटेशन एन टेंडिंग टू एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिटेशन एक्स टेंड इन्फिनिटी, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होगा। अब आप मुझे बताइए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, क्या आंसर आने का संभावना है बताइए। यस ये आ जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, सेम है, और जीरो में लिमिट लगाओगे जीरो ही आएगा, तो आई का वैल्यू जीरो आ जाएगा। आई का एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, आई का एक निश्चित वैल्यू मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू। बताओ कन्वर्जन की डाइवर्जन, कन्वर्जन है, तो आप लिखोगे हैंस द गिवन इंटीग्रल, हैंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जन, अतः दिया गया समाकल अभिसारी है, अतः दिया गया समाकल अभिसारी है, हेंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, धीरे धीरे हमें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हमें समझ में आने लगेगा। हम एक क्वेश्चन करें, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एस क्यूब ई टू पावर माइनस ए डी एक्स, हमें चेक करना है यह इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, मतलब ये जो इंटीग्रल है यह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ये हमें साबित करना है। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था जब भी इंटीग्रेशन में जीरो से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जब भी इन्फिनिटी आपको दिखाई दे आप लिखोगे लिमिटेशन एक्स टेंड इन्फिनिटी और जीरो टू एक्स एस क्यूब ई की पावर माइनस ए डी एक्स। ठीक है ये समझ में आप लोगों को, देखो है ना, यहाँ से यहाँ समझ में आ गया। इसको हम यू नाम देंगे, इसको वी नाम देंगे। मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन का एक फार्मूला बताता हूँ, पहले
मान लो हमारे पास दो फंक्शन है यू और वी, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, यू डॉट वी है ना, यू इंटू वी है, तो यू को लिखिए और वी को इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस यू का डेस कीजिए और वी को डबल इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर प्लस यू का डबल डेस और वी का ट्रिपल इंटीग्रेशन, फिर माइनस एंड सो, ऐसे चलते रहेगा है ना। मतलब यू को आप लिखिए, वी का समाकलन कीजिए, फिर माइनस यू डेस डबल इंटीग्रेशन ऑफ वी, दो बार समाकलन वी का, फिर प्लस यू डबल डेस ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ वी, फिर माइनस यू थ्री टाइम डेस, ऐसे आते रहेगा है ना। तो बताओ यहाँ पे यू क्या लेंगे अपन इस क्वेश्चन में, बोलो। ए यू हमारा एस क्यूब है, तो यू डेस क्या होगा, यू जब एस क्यूब है तो यू डेस क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर होगा। बताओ यू डबल डेस क्या होगा, सिक्स एक्स होगा। यू ट्रिपल डेस क्या होगा, सिक्स होगा। फिर आगे नहीं जाएगा, ट्रिपल डेस तक जाएगा है ना। यू एस क्यूब है, यू डेस मिल जाएगा, यू डबल डेस, यू ट्रिपल डेस, आगे यू फोर टाइम डेस नहीं जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या होगा, मतलब वी क्या है, हम देखो वी आप किसको लोगे, ई टू द पावर माइनस एक्स हमारा वी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, डबल इंटीग्रेशन ऑफ वी प्लस हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन करें वी तो फिर से माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर हम फोर टाइम इंटीग्रेशन कर दें वी को तो प्लस आ जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स है ना। इस प्रकार से ये चलते रहेगा ठीक है। अब ये फार्मूला जो है इसको आपको समझना है अच्छा से। देखो इस फार्मूले में u का बार बार डिफ्रेंसिएशन होता है और v का बार बार इंटीग्रेशन होता है, और पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलते रहता है। तो याद रखना जिसको आप u बोलोगे उसका बार बार डिफ्रेंसिएशन होगा, अवकलन होगा, और जिसको आप v कहते हो उसका बार बार इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा। तो बताओ यहाँ पे u क्या है, बताओ u क्या है और v क्या है। चलिए अब आप लोग स्वयं ही थोड़ा सा लॉजिक लगाना और बताना कि कैसे ये आएगा है ना। मैं लिख रहा हूँ लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सबसे पहले u का वैल्यू हम लिख देते हैं s क्यूब, और v को इंटीग्रेशन करेंगे। देखो u को सेम टू सेम लिखा है, u में नो चेंज है, और v का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ए की पावर माइनस एक्स आएगा। यहाँ से यहाँ समझ में आएगा, देखो पहले एक लाइन u को हमने सेम टू सेम लिखा और v का इंटीग्रेशन किया, v का समाकलन किया, फिर माइनस साइन आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब इसका अवकलन करना है, इसका समाकलन है ना, इसका अवकलन करेंगे इसका समाकलन। फिर से बता रहा हूँ, पहले u को ऊपर से देख के लिख लीजिए सेम टू सेम, u नो चेंज है ना, और ये जो भी है इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए, इसका समाकलन कर दीजिए, u को जैसे का तैसे लिख दीजिए और इस भी का इंटीग्रेशन कीजिए, समाकलन कीजिए, लिख दीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा ई की पावर माइनस एक्स, ओके। फिर अब साइन आएगा प्लस, फिर वही काम, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसका अवकलन करना है, इसका समाकलन। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा सिक्स एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा बताओ, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, फिर माइनस साइन, फिर वही काम, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बोलो सिक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दो, फिर ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा और लिमिट आएगा जीरो टू एक्स। बहुत सिंपल है, इतना कठिन नहीं है याद करना, बहुत सिंपल है, एक बार फिर समझाता हूँ। यू को जैसा का तैसा लिख दीजिए और इस भी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, ये जो भी है ना इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि पहले प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे आते रहेगा। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसका अवकलन, इसका समाकलन। इसका एक बार अवकलन हुआ, फिर दूसरी बार अवकलन हुआ, फिर तीसरी बार, ऐसे। और इसका एक बार इंटीग्रेशन हो चुका था, एक बार फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब ये वाला टर्म का जो सेकंड टर्म है उसका बार बार समाकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा, और पहला वाला जो टर्म है इसका बार बार डिफ्रेंसिएशन होगा, अवकलन होगा। अब ये जो माइनस साइन प्लस साइन है फार्मूला में, समझ में आ गया आप लोगों को, देखो आ गया। चलिए
तो फार्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ इसके पहले, एक बार और मैं फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लो यू इंटू वी है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो यू आएगा इंटीग्रेशन वी माइनस यू डेस डबल इंटीग्रेशन वी, फिर प्लस यू डबल डेस ट्रिपल इंटीग्रेशन वी, फिर माइनस यू ट्रिपल डेस चार बार इंटीग्रेशन वी का, फिर प्लस एंड सो इस प्रकार से ये चलते रहते हैं, है ना। यू का डिफ्रेंसिएशन होता है, अवकलन होता है, और वी का इंटीग्रेशन होता है। यू का अवकलन होगा और वी का समाकलन होता है। ओके, अब सब में ई की पावर माइनस एस कॉमन आएगा। देखो, देखिए कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो बताइए क्या कॉमन नजर आ रहा है सब में, सभी में क्या कॉमन नजर आ रहा है। देखो सब में माइनस साइन कॉमन है और ई की पावर माइनस एक्स भी कॉमन है। यहाँ बचेगा एस क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स और लिमिट जीरो टू एक्स। तो मैंने कहा सभी में माइनस साइन कॉमन है और सभी में ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन है। यहाँ से यहाँ समझ में आएगा। देखो देखिए आ गया समझ में, चलो अच्छी बात है, ये आपको समझ में आ चुका है। हम आगे बढ़ते हैं, पहले अपर लिमिट लगा देते हैं तो सेम टू सेम आएगा एस क्यू प्लस, हाँ ये लिमिट लगा रहेगा, सॉरी ये लिमिट भी है ना, इसको आप इसे लिखोगे लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी। पहले अपर लिमिट लगा देते हैं तो माइनस ई की पावर माइनस एस एस क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, अपर लिमिट हमने लगा दिया। अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ माइनस साइन है और प्लस हो जाएगा ई की पावर जीरो, एस की जीरो रखना है, एस को जीरो रखना, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या आएगा बताओ, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो क्या आएगा और बोलो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस क्या आएगा, सिक्स आएगा। आया समझ में, देखो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस सिक्स आएगा, है ना। तो हमने अपर लिमिट लगाया, एस के प्लेस पे एक्स रखा, फिर एस के प्लेस पे जीरो रखा, जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस साइन प्लस साइन होगा। ओके, अब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव है तो एस को इन्फिनिटिव करेंगे तो ई की पावर क्या आएगा बताइए, जब एस को इन्फिनिटिव रखेंगे तो ई टू द पावर क्या आएगा, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, बिल्कुल सही। तो जब हम एस की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, है ना, ये जो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा प्लस ये वाला टर्म बचेगा सिक्स, ई की पावर जीरो वन होगा, ये सिक्स बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिक्स। ये जीरो इसलिए हुआ क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है ना। एस की वैल्यू जब इन्फिनिटी रखोगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, और ये जीरो होने से पूरा जीरो हो जाएगा। तो बताइए आई का वैल्यू सिक्स आया, आई का वैल्यू क्या आया, सिक्स आया। अब बताओ गिवन इंटीग्रल क्या है, हेंस द गिवन इंटीग्रल इज, बोलो कन्वर्जेंट, अतः दिया गया समाकल अभिसारी है, अतः दिया गया समाकल अभिसारी है, हेंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। हो सकता है सारी बातें आपको समझ में ना आई हो, और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आने लग जाए। हमारे पास क्वेश्चन है, एक इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपान एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। हमें चेक करना है ये जो इंटीग्रल है यह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, अभिसारी है या अपसारी, ये हमें चेक करना है, है ना। चलिए चेक करते हैं, तो इसको आप लिखोगे लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस एस टू एक्स डी एक्स अपान एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए ये लाइन समझ में आया आपको, इसी को आप ऐसे लिखोगे, आ गया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस टू से इन्फिनिटी ना लिखिए, माइनस एक्स टू एक्स लिखेंगे और एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखेंगे, देख लीजिए समझ में आ गया, ठीक है, आ गया सब बच्चों को समझ में। चलिए हम आगे आगे बढ़ते हैं, इसको आप ऐसे लिखोगे लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस एक्स टू एक्स, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं,
ए अपान एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अभी ए बी सी के वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। इस यहाँ से यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। ठीक है, बताओ ए के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, इसको देखो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का और बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा एस का, इज इक्वल टू वन आएगा क्योंकि कुछ नहीं तो ऊपर वन है, यहाँ पे ऊपर में वन है, इज इक्वल टू वन लिखोगे। या बताइए यहाँ से यहाँ समझ में आता है, इसको हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन। सुने हो कभी पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न? हेलो, आप लोगों ने कभी पार्शियल फ्रैक्शन सुने हैं, आंशिक भिन्न में तोड़ना, इलेवन ट्वेल्थ में, है ना? तो बताओ यहाँ पर x के ऊपर मैंने a लिखा है क्योंकि x का डिग्री 1 है, तो 1 से कम डिग्री 0 डिग्री आता है ना, एक डिग्री कम लेना पड़ता है ऊपर, लेकिन नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2 डिग्री का है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 घात का है, ऊपर में एक घात लेना पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी ले लो, है ना? यहाँ पर x है इसी कारण a लिखा है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसी कारण बी एक्स प्लस सी। अब a b c का वैल्यू आपको निकालना है, चलिए इसका मल्टीप्लाई करो। बताओ यहाँ से यहाँ समझ में आया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। बोलो आ गया समझ में क्या? इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 समझ में आया आप लोगों को? ओके तो यहाँ से यहाँ हम जो मेथड यूज करते हैं इसको हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और एस के साथ मल्टीप्लाई होगा बी एक्स प्लस सी का, है ना? इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा और ये जो इसका जो वैल्यू है ये ऊपर में वैल्यू 1 है तो 1 के इक्वल आएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है ऊपर में, है ना, तो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 1, तो ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, ये आ जाएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 1। चलिए कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, गुणांकों की तुलना कीजिए। बताइए ए प्लस बी एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स प्लस बी है, राइट साइड देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, राइट साइड में एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है, इसका कोफिशिएंट 0 है। बताओ यहाँ पर एस का कोफिशिएंट सी है, राइट साइड देखो 0 है, चलिए अच्छी बात है। और ए का ए कांस्टेंट टर्म है इधर, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म 1 है, है ना? तो हमने कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए प्लस बी, राइट साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ एस का कोफिशिएंट सी है, राइट साइड में एक्स नहीं है तो एस का कोफिशिएंट 0 है, सी इक्वल टू 0 आया। और यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ यहाँ 1 है, यहाँ ए है, ए इक्वल टू 1 है, ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो बी पता चल जाएगा। बताओ बी इक्वल टू माइनस ए आएगा, ए का वैल्यू 1 पुट कर दो, सी इक्वल टू 0 है और ए इक्वल टू 1 है। बताइए बी का वैल्यू क्या आएगा, ए तो 1 है, बी मेरे ख्याल से माइनस 1 आएगा और सी आएगा 0। समझ में आ गया? देखो ए का वैल्यू 1 आया है ना, यहाँ से ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे बी माइनस 1 आएगा और सी इक्वल टू 0 आएगा। समझ में आ गया? देखो ठीक है, तो ये जो ए बी सी का वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ए का वैल्यू 1 रखेंगे, बी का वैल्यू माइनस 1 रखेंगे और सी का वैल्यू हम 0 रखने वाले हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 आपको दिखाई दे रहा है, देखो इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रहा है क्या? दस फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अतः समीकरण 1 से आ जाएगा लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस एस टू एक्स, ए का वैल्यू 1 आया था 1 बाई एक्स प्लस बी का वैल्यू माइनस 1 आया तो माइनस एक्स प्लस 0 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ए का वैल्यू 1 रखा, बी का वैल्यू माइनस 1 रखा और सी का वैल्यू 0 रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, आ जाएगा लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस एस टू एक्स 1 बाई एक्स माइनस यहाँ पर एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी एक्स। देखिए क्या लगता है, समझ में आ गया यहाँ तक? बोलो। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो है ना वैल्यू जो आया, ये अभी जो आया, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लो। इसका एलसीएम लो, इतना इंटू इतना आएगा एलसीएम, ये इधर आएगा, इधर आएगा, फिर से यही आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे ना यही आ जाएगा, फिर से 1/x 1+x² है। देखो यहाँ 1+x² इधर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1/x 1+x² यही आ जाएगा फिर से, है ना, अगर इसको सॉल्व करोगे। चलिए तो ये जो इंटीग्रेशन दोनों में ऑपरेट होगा, लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन -x^2 1/x dx, माइनस यहाँ पे 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर देता हूँ, इंटीग्रेशन -x^2 और 2x/1+x² dx। ये जो इंटीग्रेशन का जो साइन है दोनों के लिए है, दोनों में ऑपरेट हो गया। यहाँ 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर दिए हैं ताकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया जा सके। ओके चलिए इंटीग्रेशन करो, जिनको आता है बताइए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। लॉग एक्स होगा, बिल्कुल सही, लॉग एक्स होगा, -1/2। इसका इंटीग्रेशन आएगा log 1+x² और लिमिट आएगा -x^2। क्या लगता है, समझ में आए आपको? इसका इंटीग्रेशन आएगा log 1+x², नीचे जो फंक्शन उसका डेरिवेशन ऊपर है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा log 1+x², और इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग एक्स और लिमिट आएगा -x^2+x। देखिए समझ में आया क्या? आ गया समझ में? चलिए अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये आ जाएगा लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x - log 1+x² 1/2 -x^2x लिमिट। समझ में आ गया? देखो यहाँ से, हाँ ये जो 1/2 है पावर में चला जाएगा। बोलो आ गया समझ में? नहीं आया कि आ गया? देखो आ गया समझ में। चलिए तो लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा log x/1+x² 1/2 1+x² 1/2। देखो समझ में आया क्या लाइन? कोशिश करो, इसके बाद में लाइन लॉग एक्स माइनस है ना अपान में आ जाएगा। आया होगा कि नहीं आया होगा समझ में? देखो कोशिश करो, कोशिश करने से दिक्कत नहीं, कर रहे हो कोशिश, कर रहे हो, आ रहा गया। चलिए अच्छी बात है। यह आएगा लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग, पहले एक्स के प्लेस पे एक्स रखते हैं, x/1+x² 1/2 ये माइनस, अब एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखते हैं, log -x/1+x² ही आएगा इसमें। ये देखो पहले एस के प्लेस पे एक्स रखोगे तो ये आएगा, फिर एस के प्लेस पे माइनस एक्स रखोगे तो -x² होल स्क्वायर x² ही होगा। देखो समझ में आ गया क्या? देखो चला yes, चलिए अच्छी बात है। लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलो अब मुझे बताओ ये माइनस साइन है, क्या साइन है? माइनस, इतना अपन इतना आएगा, log x/1+x² 1/2 होल डिवाइड बाय आएगा -x/1+x² 1/2। देखिए कोशिश कीजिए, है ना, कुछ कटेगा, एक्स एक्स कटेगा, कुछ कटेगा, क्या आएगा बताइए, बताइए क्या आएगा? log -1, बिल्कुल सही, log -1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? log -1 आएगा। पता है यहाँ एक्स है क्या? देखो यहाँ एक्स है क्या? नहीं है ना, तो इस प्रकार से आ जाएगा, देखिए है ना, एक्स नहीं है तो आ जाएगा i = log -1।
आया समझ में? कोशिश करो समझने का, आप लोग कोशिश कीजिए शायद समझ में आ जाए। आ गया? अब मुझे बताओ लॉग माइनस वन की वैल्यू डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है? बताइए, लॉग माइनस वन की वैल्यू पता है किसी को? निगेटिव का लॉग नहीं निकलता, याद रखना है ना। तो हम लिखेंगे सिंस लॉग माइनस वन इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, सिंस लॉग माइनस वन इज अनडिफाइंड, दस द गिवेन इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। हिंदी में लिखोगे चूंकि लॉग माइनस वन अपरिभाषित है अतः दिया गया समाकल का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि लॉग माइनस वन अपरिभाषित है अतः दिए गए समाकल का अस्तित्व नहीं है। लिख पाओगे? क्योंकि लॉग माइनस वन अपरिभाषित है अतः दिए गए समाकल का अस्तित्व नहीं है। लिख पाओगे? बोलो बोलो, लिख पाओगे आप लोग? क्या लिखोगे? चूंकि लॉग माइनस वन अपरिभाषित है अतः दिए गए समाकल का अस्तित्व नहीं है, अतः दिए गए समाकल का अस्तित्व नहीं है। लिख पाओगे? यस सर। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, नए क्वेश्चन की ओर आते हैं, है ना। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, देखते हैं ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लिखेंगे लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 टू एक्स ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। बताओ अपर लिमिट क्या है इसका, नहीं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए? ई टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस ई टू पावर माइनस एक्स आएगा। बोलो क्या आएगा? माइनस ई टू पावर माइनस एक्स आएगा। अपर लिमिट लगा दीजिए माइनस ई की पावर माइनस एक्स, लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस का प्लस आ जाएगा, ई की पावर जीरो हो जाएगा। बताओ ई की पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है? बोलो ई टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या? वन। तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन, ई टू द पावर जीरो का वैल्यू वन होता है। अब एस के लिए इन्फिनिटी रखना है आपको, एस की वैल्यू क्या रखना है? इन्फिनिटी रखना है। चलिए रख दीजिए एस के लिए इन्फिनिटी रख दीजिए, तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस तो मैं बता रहा था जब एस को हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, एस के लिए जब इन्फिनिटी हम पुट करेंगे ये आएगा माइनस ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन। एस को इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू होता है जीरो, तो जीरो प्लस वन, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा वन। बताओ आई का वैल्यू वन आ रहा है, आप बताइए कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? आई इज इक्वल टू वन आ रहा है, कन्वर्जेंट। तो आप लिखिए हेंस the given integral, and the given integral is convergent, अतः दिया गया समाकल अभिसारी है, अतः दिया गया समाकल अभिसारी है, hence the given integral is convergent। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। हमें चेक करना है ये जो इंटीग्रल है वह कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। इसको आप लिखोगे लिमिटेशन एफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस एफ टू एक्स ई टू द पावर माइनस एफ डी एक्स। इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे, है ना। डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है, आपको पहले इसको इंटीग्रेशन करना है, बाद में आप एस क्यू वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे, तो इसी को आप इस फॉर्म में लिखोगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है।
इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इस प्रकार से हम लिखेंगे, है ना। तो लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, चलिए इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा, लिमिट आएगा माइनस एक्स टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने आ जाएगा, देखो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। ओके yes, तो पहले अपर लिमिट लगा लीजिए, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। अपर लिमिट लगाए तो एस की प्लस पे एक्स रखा, फिर लोअर लिमिट लगाए तो एस की प्लस पे माइनस एक्स रखा, है ना, कोई डाउट तो नहीं है। देखो अब हम लिमिट लगाते हैं, तो माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी प्लस ई की पावर इन्फिनिटी, आपको बताता हूँ ई टू पावर इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी होता है और ई टू पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, तो जाएगा जीरो प्लस इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी वैल्यू याद रखना, ई टू द पावर इन्फिनिटी वैल्यू इन्फिनिटी होता है और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू जीरो होता है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। तो बताओ आई की वैल्यू क्या है, देखो आई की वैल्यू क्या है बताइए, इन्फिनिटी आ गया, आई की वैल्यू इन्फिनिटी आ गया, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट बताओ, तो आप लिखोगे हेंस द गिवेन इंटीग्रल, हेंस द गिवेन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, अतः दिया गया समाकल अपसारी है, डाइवर्जेंट है, अपसारी है, क्योंकि आई की वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, इसी कारण ये डाइवर्जेंट है, अपसारी है। एक और क्वेश्चंस करते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन दिया गया है जीरो टू इन्फिनिटी कॉस एक्स डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, जीरो टू इन्फिनिटी कॉस एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसको आप इस प्रकार से लिखोगे, लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और जीरो टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। चलिए बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो, साइन स्क्वायर एक्स, नहीं गलत है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, कौन बताएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, है ना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो हम एक्स की वैल्यू पहले एक्स रखेंगे फिर जीरो रखेंगे, तो लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स माइनस साइन जीरो, पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर जीरो लोअर लिमिट लगाएंगे, एस के प्लस पे एक्स रखेंगे फिर एस के प्लस पे जीरो, बताओ साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बोलो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। अब हमें एस की वैल्यू इन्फिनिटी रखना है, एस की वैल्यू क्या रखना है, इन्फिनिटी, किया जाएगा साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू हमें पता नहीं है, अनडिफाइंड, इसका वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच कुछ भी हो सकता है ना, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच दोलनी होता है, ऑक्सीलेटरी होता है, तो चूंकि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच दोलन करता है, इसी कारण इसको आप दोलनी इंटीग्रल मतलब दोलनी समाकल बोल सकते हो, ऑक्सीलेटरी इंटीग्रल बोल सकते हो, है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू साइन इन्फिनिटी आया, आगे आपको लिखना पड़ेगा सिंस, सिंस द वैल्यू ऑफ, सिंस द वैल्यू ऑफ साइन इन्फिनिटी लाइज बिटवीन बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, देयरफोर देयरफोर द गिवन इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल इज ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेटरी है मतलब ये दोलनी समाकल है, हिंदी में लिखोगे चूंकि साइन इन्फिनिटी का मान माइनस वन और प्लस वन के बीच होता है, चूंकि साइन इन्फिनिटी का मान माइनस वन और प्लस वन के बीच होता है, इसलिए दिया गया समाकल दोलनी है, इसलिए दिया गया समाकल दोलनी है, न तो ये कन्वर्जेंट आएगा न ही ये डाइवर्जेंट आएगा, ये आएगा ऑक्सीलेटरी, है ना, न तो ये अभिसारी है न ही अपसारी है, ये अभिसारी समाकल भी नहीं है, अपसारी भी नहीं है, ये दोलनी है, दोलनी समाकल है मतलब ऑक्सीलेटरी इंटीग्रल है।
ठीक है, तो साइन थीटा वैल्यू किसके बीच होता है बताओ, साइन थीटा वैल्यू किसके बीच होता माइनस है, वन और प्लस वन के बीच। कुछ भी हो सकता है ना, साइन का जो वैल्यू है माइनस वन और प्लस वन के बीच कुछ भी हो सकता है। तो हमने लिखा है सिंस द वैल्यू ऑफ साइन इन्फिनिटिव लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, इसका जो वैल्यू है वह माइनस वन और प्लस वन के बीच स्थित है, दे आर फोर द गिवन इंटीग्रल इज ऑक्सिलेटरी, इसलिए दिया गया समाकल दोलनीय है। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास एक इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो साइन हाइपर एक्स डी एक्स, साइन हाइपर एक्स डी एक्स, याद रखना साइन हाइपर एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, ये साइन हाइपर एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है याद रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इसको आप लिखोगे लिमिटेशन एफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन माइनस एफ टू जीरो और साइन हाइपर एक्स डी एक्स, बताओ साइन हाइपर एक्स की वैल्यू क्या होता है, बताओ साइन हाइपर एक्स की वैल्यू क्या होता है, बोलो साइन हाइपर एक्स की वैल्यू क्या होता है, बोलो साइन हाइपर एक्स की वैल्यू क्या होता है, तो साइन हाइपर एक्स की वैल्यू होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू, ये साइन हाइपर एक्स की वैल्यू है, साइन हाइपर एक्स की वैल्यू होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आएगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस ई की पावर माइनस एक्स आएगा अपॉन टू, लिमिट आएगा माइनस एक्स टू जीरो, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा और ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे पहले एक्स की जगह जीरो रखते हैं तो ई की पावर जीरो प्लस ई की पावर जीरो बाई टू, फिर माइनस अब ई की पावर माइनस एक्स रखते हैं, एक्स कितने जगह माइनस एक्स रखेंगे ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स होगा अपॉन टू, पहले अपर लिमिट लगाया जीरो फिर लोअर लिमिट माइनस एक्स, देखो समझ में आएगा क्या, ये यहाँ से यहाँ देखो आ गया, पहले हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया फिर एक्स की जगह जीरो रखा फिर एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, तो बताओ ई की पावर जीरो क्या होता है, बोलो वन होता है, तो वन प्लस वन टू, टू अपॉन टू करेंगे तो वन आ जाएगा, वन प्लस वन टू और टू अपॉन टू वन हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा ए की पावर माइनस एक्स प्लस ए की पावर एक्स अपॉन टू। अब एक्स की वैल्यू हम रखेंगे इन्फिनिटी, जाएगा वन माइनस ए टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ए की पावर इन्फिनिटी बाई टू, पता है एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रख दिए, देखो एक्स के लिए क्या रख दिए इन्फिनिटी रख दिए, ओके अब मुझे आप बताओ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, मैंने बताया था ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है और ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, बताओ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इस रिजल्ट का हम यूज कर लेते हैं, तो वन माइनस जीरो प्लस इन्फिनिटी बाई टू, जीरो प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी बाई टू करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, वन माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया, बताओ आई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है क्या बोलते हो, आई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है क्या होगा बताइए, कन्वर्जन की डाइवर्जन, डाइवर्जन तो आप लिखोगे हैंस द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जन, गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जन, अतः दिया गया समाकल अपसारी है, हिंदी में लिखोगे अतः दिया गया समाकल अपसारी है, हेंस द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, अतः दिया गया समाकल अपसारी है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे से धीरे हमें सारे क्वेश्चन जब करते जाएंगे तो समझ में आने लगेगा। हमारे पास एक इंटीग्रेशन है माइनस इंफिनिटी जीरो कॉस हाइपर एक्स डी एक्स, बताओ कॉस हाइपर एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, बताइए कॉस हाइपर एक्स का क्या फॉर्मूला आप जानते हो,
बोलो e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस एक्स बाई टू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos हाइपर x, ये cos हाइपर x का फॉर्मूला है, ठीक है, इसका यूज होगा अभी। तो i हमारा है लिमिटेशन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस एक्स टू जीरो cos हाइपर x dx, इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इसी को इस फॉर्म में लिखा है। बताओ cos हाइपर x की वैल्यू क्या रखोगे, बताइए। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन टू, चलिए e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x बाई टू, e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x बाई टू, हमने cos हाइपर x वैल्यू रख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x होगा। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, समाकलन करेंगे। तो लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x अपॉन टू, और लिमिट आएगा माइनस एक्स टू जीरो। तो पहले हमने e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x किया, और e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e टू पावर माइनस x, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया समाकलन, और इसको भी इंटीग्रेट किया समाकलन हमने किया। लिमिट लगाते हैं, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, नहीं अपर लिमिट जीरो है, e की पावर जीरो माइनस e की पावर जीरो अपॉन टू, और लोअर लिमिट लगाएंगे e की पावर माइनस e की पावर x होगा अपॉन टू। तो पहले हमने x की जगह जीरो रखा, फिर x की जगह हमने माइनस x रखा, ये आपको समझ में आता है, लिमिट लगाना आ जाएगा, देखो लिमिट अप्लाई करने आ जाएगा आप लोगों को। चलिए e की पावर जीरो क्या होता है बताओ, e टू की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो आ जाएगा माइनस, तो ये आएगा e टू पावर माइनस एक्स और माइनस e की पावर एक्स बाई टू, ओके। चलिए अब हम लिमिट लगाए थे, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया गया है, ये जाएगा माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर इन्फिनिटी बाई टू, एक्स के प्लस पे इन्फिनिटी रख दिए। बताओ e की पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू क्या होगा, e की पावर इन्फिनिटी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो e की पावर इन्फिनिटी वैल्यू क्या होगा बताइए, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो माइनस इन्फिनिटी बाई टू, इन्फिनिटी बाई टू तो इन्फिनिटी आएगा, यहाँ भी माइनस है आई माइनस है, तो आई की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इन्फिनिटी बाई टू तो इन्फिनिटी होगा, आई की वैल्यू इन्फिनिटी आ गया, बताइए क्या बोलते हो गिवन इंटीग्रल, बताइए डाइवर्जेंट होगा, तो आप लिखोगे हैंस द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, आप यहाँ लिखोगे हैंस द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, अतः दिया गया समाकल अपसारी है, अतः दिया गया समाकल अपसारी है। समझ में आ गया आप लोगों को,